हाल ही में विश्व बैंक ने जेंडर पे गैप रिपोर्ट जारी की है तथा विश्व बैंक समूह यह रिपोर्ट एक सतत वैश्विक मुद्दे को रेखांकित करती है कि महिलाएं पुरुषों द्वारा कमाए गए प्रत्येक $1 की तुलना में केवल 77 सेंट कमाती हैं। यह विसंगति, जिसे आम तौर पर लैंगिक वेतन अंतर कहा जाता है, कार्यस्थल समानता से संबंधित चर्चाओं में एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनी हुई है। लैंगिक वेतन अंतर को समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन लैंगिक वेतन अंतर को सभी कामकाजी महिलाओं और पुरुषों के औसत वेतन स्तर के बीच असमानता के रूप में परिभाषित करता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह मीट्रिक समान भूमिकाओं में पुरुषों और महिलाओं के वेतन की तुलना ध्यान केंद्रित करता है। क्या है वेतनिक अंतर की गणना प्रणाली? अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संगठन के अनुसार लैंगिक वेतन अंतर को मासिक वेतन प्रति घंटा या दैनिक वेतन के लिए श्रम बाजार में काम करने वाली सभी महिलाओं और सभी पुरुषों के औसत वेतन स्तर के बीच अंतर के रूप में परिभाषित किया गया है। हालांकि विभिन्न पद्धतियों से लैंगिक वेतन अंतर के लिए थोड़े भिन्न आंकड़े प्राप्त होते हैं। उदाहरण के लिए प्यू रिसर्च और US ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स ने क्रमशः 84% और 81% की असमानताएं दर्ज की। ये विसंगतियां गणना पद्धति जैसे प्रति घंटा बनाम साप्ताहिक वेतन और समावेश मानदंड जैसे पूर्णकालिक बनाम अंशकालिक कर्मचारी आदि कारकों के कारण उत्पन्न होती हैं। तो आखिर क्या है लैंगिक वेतन अंतर को प्रभावित करने वाले कारक? आइए जानते हैं। पहला कारक है श्रम बल भागीदारी, अर्थात सामाजिक मानदंडों और अपेक्षाओं से प्रभावित कार्यबल में महिलाओं की कम भागीदारी इस अंतर में महत्वपूर्ण योगदान देती है। विश्व स्तर पर महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर पुरुषों से पीछे है। दूसरा कारक है व्यावसायिक अलगाव, अपितु महिलाएं अक्सर पुरुषों की तुलना में कम वेतन वाले व्यवसायों और उद्योगों में केंद्रित होती हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें प्रबंधन और नेतृत्व पदों जैसी उच्च भुगतान वाली भूमिकाओं में आगे बढ़ने में बाधाओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा कारक है अंशकालिक कार्य। दरअसल पुरुषों की तुलना में महिलाएं अंशकालिक कार्य करने की अधिक संभावना रखती हैं, जो आम तौर पर पूर्णकालिक रोजगार की तुलना में कम वेतन और कम लाभ प्रदान करती है। कार्य व्यवस्था में यह असमानता समग्र लैंगिक वेतन अंतर में योगदान करती है तथा अन्य है सामाजिक आर्थिक कारक, अर्थात संस्थागत पूर्वाग्रह, महिलाओं की शिक्षा और कौशल विकास में सीमित निवेश और कार्यस्थल में और यात्रा के दौरान सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी लैंगिक वेतन अंतर को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। अगर इसके निहितार्थ और पैटर्न को देखें तो लैंगिक वेतन अंतर विभिन्न पैटर्न में प्रकट होता है, जिसमें आयु संबंधित आय असमानताएं भी शामिल हैं। महिलाएं, विशेषकर जिनकी उम्र 30 से 40 के बीच है, अक्सर समान पदों पर काम करने वाले पुरुषों की तुलना में आय में गिरावट का अनुभव करती हैं। इसके अतिरिक्त महिलाओं को मातृत्व दंड का सामना करना पड़ता है, जिसमें बच्चों की देखभाल के लिए करियर में रुकावट के परिणाम स्वरूप कमाई की संभावना कम हो जाती है। अब यह प्रश्न उठना भी लाजमी है कि इस लैंगिक अंतर को कैसे कम किया जा सकता है। तो लैंगिक वेतन अंतर को कम करने के प्रयासों में नीतिगत हस्तक्षेप, कार्यस्थल पहल और लैंगिक समानता की वकालत सहित कई रणनीतियां शामिल हैं। मातृत्व और पितृत्व अवकाश, लचीली कार्य व्यवस्था और भुगतान पारदर्शिता उपायों जैसी नीतियों का उद्देश्य वेतन असमानताओं को कम करना और कार्यबल में न्यायसंगत उपचार को बढ़ावा देना है। भारतीय संविधान के नीति निदेशक तत्वों में अनुच्छेद 39 घ के तहत ये प्रावधान किया गया है कि पुरुष एवं स्त्री को समान कार्य हेतु समान वेतन दिया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। हालांकि अंतर को कम या खत्म करने की दिशा में प्रगति क्रमिक बनी हुई है। विभिन्न अनुमानों से ज्ञात होता है कि समानता प्राप्त करने के लिए कई दशकों के निरंतर प्रयासों की आवश्यकता हो सकती है। यद्यपि लैंगिक वेतन अंतर कार्यबल में महिलाओं के सामने आने वाली प्रणालीगत चुनौतियों की याद दिलाता है, फिर भी निष्कर्ष तो यह कहा जा सकता है कि इस असमानता को संबोधित करने के लिए कार्यस्थल समानता को बढ़ावा देने, उन्नति में आने वाली बाधाओं को दूर करने और लैंगिक भेदभाव के बिना सभी कर्मचारियों के लिए उचित
और न्याय संगत मुआवजा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में समन्वित कार्रवाई की आवश्यकता है।